दीन सुहाई अति प्रमोद जी में बाराती नाना कोकिल कंठा गाती। अब लोग बाराती जीवन के लिए बैठ रहे हैं सज्जन गुट मारो ये पिछोकड़ गीता ये बचत है जो कोई सुने बा आवे जी हरि को जो कोई सुने बा आवे जी हरि को सुने बा तो आवे मारे बंसी धर लूटी सुने बा तो आवे मारे बंसी धर लूटी सुने सुने ज्ञान भरावे जी हरि को सुने 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 बातों आवे मारे जाली राम लूटी सुने बातों आवे मारे जाली राम लूटी सुने सुने ज्ञान भरावे जी हरि को सुने सुने ज्ञान भरावे जी हरि को सुने बातों आवे मारे जुकी राम जी लूटी सुने बातों आवे मारे जुकी राम लूटी सुने बातों आवे मारे जुकी राम जी लूटी सुने बातों आवे मारे जुकी राम जी लूटी सुने सुने ज्ञान भरावे जी हरि को सुने सुने ज्ञान भरावे सुने बातु आवे मारा कमला रामे मायड़ी सुने सुने माने भरावे जी हरि को सुने सुने भरावे जी हरि को साथ जलेबी दे कर गुस्सा मल हर साए सतगुरु नहीं जीव कर जली राम सुख पाए बात श्री रानी श्री की मैदा कोसी रो करू पूरी करू पचास पाचू बांधी आंगली चट्टो बांधू गास मूर्ख हो तो जीवियो नहीं खोलो मारो गास और जाली राम के घर शो आया गुरशा मल के पास सगा जिमाई साथ मिठाई छूटा मारा गास अरे बंसी दल जी संभल करके बैठियो छात पर से लाडू आवे गड़ 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 गाम गड़ 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 गाम गड़ 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 गाम डरपो मत सखी जी नरेगा सा डरपो मत डरपो मत सखी जी नरेगा सा डरपो मत अरे जाली राम जी अरे संभल करके बैठियो छात पर से लाडू आवे गड़ 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 गम गड़ 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 गम डरपो मत सखी जी नरेगा सा डरपो मत सखी जी नरेगा सा डरपो मत अरे बंसीधर जी अरे संभल करके बैठियो अरे छात पर से लाडू आवे गड़ 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 डरपो मत सखी जी नरेगा सा डरपो मत सखी जी नरेगा सा डरपो मत अरे जुगी राम जी अरे संभल करके बैठियो अरे छात पर से लाडू आवे गड़ 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 डरपो मत सखी जी नरेगा सा डरपो मत अरे राधे श्याम जी अरे संभल करके बैठियो अरे छात पर से लाडू आवे गड़ 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 डरपो मत सखी जी ने ले जा सा डरपो मत अरे शंकर भाई जी संभल करके बैठियो थारे पीछे से लाडू आवे गड़ 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 डरपो मत सखी जी ने ले जा सा डरपो मत डरपो मत सखी जी ने ले जा सा डरपो मत अरे प्रदीप कुमार जी संभल करके बैठियो थारी पेटी के ऊपर से लाडू आवे गड़ 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 डरपो मत सखी जी ने ले जा सा डरपो मत सखी जी ने ले जा सा डरपो मत अरे सुनील भाई जी संभल करके बैठियो थारे माथे ऊपर लाडू पड़ेला डरपो मत सखी जी ने ले जा सा डरपो मत सखी जी ने ले जा सा डरपो मत सखी जी ने ले जा मन प्रसन्न जी में बाराती मोद प्रमोद कही नहीं जाती करी जी मन आचमन कराया मीठा बीरा पानी घुमाया सजन गोठ यही बात कर जी मन वार सुहान गुरु शामल करने लगे पहरा बड़ी महान जाली राम करी पहराई मधुर गीत दुनिया की सुहाई आओ आओ मौजी राम जी रापूत गुर सामल करो पहरावणी आओ आओ गुर सामल जी रापूत गीत राज करो पहरावणी मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी दायज दिए अनेक प्रकारा वस्त्र कई रेशम कपास के हाथी घोड़ा ऊट रथारी बहुत प्रकार सवारी बहु प्रकार मेवा मिष्ठाना बहुत भारी पकवाना सफल बाराती लिए बुलाई आदर सहित करी पौराई नाना वस्तु बारात ही पाई जान जुहारी हुई सुहाई और सकल चाकर थे जेते सन्मानी सब दी सम देते स्वर्ण वस्त्र दिए अति सुहाने प्रकार दर्शन सन्माने देवी करी पहरावड़ी वरणी कैसी जाए जगदम्बा पहरावड़ी शारद सके न गाए मात श्री रानी सती जी जय रथ अनेक सुंदर सजवाए स्वर्ण जड़ की पालकी मंगाई नारायणी के लिए सजाई विदा गीत गाए नर नारी सुंदर सीख सुकारी अपने घर जा सुता प्रवीणा पति के अनुशासन में रहना सास ससुर की सेवा करना नारी धर्म निभाने रहना देवर नंद और देवरानी सबको रखना ही लगानी सुच सेवक दासी अरुदासा सबके मन तुम करो निवासा गौ ब्राह्मण और संत जनों की सेवा करना वृद्ध जनों की जब चलने की बेला आई निकल भाई सब लोग लुभाई गैया आई दौड़ कर बचपन से थी साथ आंखों में आंसू बहे चाटने लागी हाथ विकल हो के गले लगाई हाँ कर लागे लोग लुगाई और जोर गाई रंभाई माता जब समझावन आई माता सुख चाटने लगी गाई मात चरण चाटने लग गई रखवाले को तुरंत बुलाया मुश्किल से नवरे पहुंचाया दौड़ दौड़ सखिया आती थी मिलल गले से लग जाती थी सकल जगह करुणा रस फूटा रोए बिना ना होई छूटा माता बोली गले लगा कर मुझे चली किसको संभाल कर विलख मात के गले लपटानी रो रो कर ही बनानी ममता में सिर हाथ फिराई बोली मैं तारी समझाई अमर सुहागन लाडो मेरी पति चरणों में ही कली मेरी सुंदर सीख यही है मेरी अभीला करना पति के हेटी पिता ससुर दो कुल चुकाना बदला दो मेरी गोप लगाना दुल्हन बोली मात को छाती से लिपटाए गुड़िया मेरे साथ की रखियो मेरी हे आवत देखा स्वामी को माता गई विकलाए आंसू तो झर झर बहे वचन निकल नहीं पाए मात श्री रानी सती की जय हो नारायणी चालीसा सरिए थे धीर बंधा बोझा हो मारे लाडो चाली ओ लाडे सर चाली ससरिए थे धीर बंधाओ जाए मारी बेटी चाली ससरिए थे धीर बंधाओ जाए जत भी मैं भाई अनमणि आगो दी नारायण तेरे बिना गोमती कैया चाय
सीए तेरी गंगा झुर झुर रोवे धीर बंधा दे क्यों ना आए थारी बेटी चाली सासरी ये थे धीर बंधा हो जाए सूरज देवी थे कमती तप जो तावणियों नहीं लग जावे छायो रख जो हे बेटी पर थारी लाडो चाली सासरी ये थे धीर बंधा हो जाए हो नारानी चाली सासरी ये थे धीर बंधा हो जाए। देखो एक बार सारे बैठ जाओ। नारायणी भाई अब अपने मन की बात बोलना चाहती है। आपने हमेशा विदाई में माँ बाप को समझाते हुए देखा है, पर आज मैं आपको नारायणी भाई की मन की बातें सुना रहा हूं। मैं नारायणी भाई रोते रोते अपने माता पिता के आंसू पोंछती है, मां से कहती है, मां तुम मत रो, तुमने जो मुझे प्यार दिया है वो प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता। गुरसामल जी के गले से लग जाती है। देखिए जिनके घर में बेटियां हैं एक बार अपनी बेटियों के लिए ताली बजाओ जरा जोरदार जोरदार, जिनके घर में बेटियां हैं। और बेटियां विदाई के वक्त रोती है ना तो सारी दुनिया में आंखें भराती है, पर जब बेटी ये गीत गा दे जो मैं गाने जा रहा हूं तो सच कहता हूं आपका भी परिवार सुखमय हो जाएगा, आपका ससुराल भी सुखमय हो जाएगा। देखिए लाडू भाई नारायणी अपनी माता और पिता से क्या कहती है। बहुत प्यारा ये गीत है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चाहूंगा हमारे प्रदीप भैया आप यहां नहीं बैठे, कृपा करके आप वहां बैठे जाइए, एक बार मेरी बात मान के जाइए दादी के सामने। ये अरदास लग रही है, मेरी तरफ मत देखो कोई भी, सब दादी की तरफ देखे। आज अपनी बेटियों की अरदास लगाएं कि अगर हमें बेटी दो तो नारायणी जैसी दो। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, लाडू भाई नारायणी रोने लगती है और मां के कलेजे लग के मां से कहती है, मां तू है सहेली मेरे बचपन की। मैं गुड़िया और गुरसामल जी के गले लग के नारायणी भाई बोलती है, क्या ओ भाग्य से ऐसा बाबुल पाया, भाग्य से ऐसा बाबुल पाया जिसने हर पल लाड लडाया, जिसने हर पल लाड लगाया, जिसने ये दुनिया मुझ पे अर्पण की, जिसने ये दुनिया मुझ पे अर्पण की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। घर में बेटियां हैं चलो उठा लो हाथ पूरे के पूरे, ये तालियां जोरदार एक साथ।
और उसके बाद नारायणी ने सुलोचना माँ का आंचल पकड़ लिया और माँ से कहने लगी, माँ आज मेरी विदाई में तू रो रही है, पर मेरी बात सुन ले माँ। माँ का आंचल कितना प्यारा, माँ का आंचल कितना प्यारा, भूल गई मैं ये जग सारा, माँ का आंचल कितना प्यारा, भूल गई मैं ये जग सारा। बातें करी मैं जिससे तन मन की, बातें करी मैं जिससे तन मन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हो मैं गुड़िया। और उसके बाद नारायणी भाई रोने लगती है और कन्हैया को कन्हैया की तरफ देख के कहती, कन्हैया मेरी बात सुन ले। कन्हैया क्या, आज मैं हो जाऊंगी पराई, आज मैं हो जाऊंगी पराई, कान्हा इनकी करे ना सहाई, आज मैं हो जाऊंगी पराई, कान्हा इनकी करना सहाय, बेटी बनू मैं इनके जन्मों की, हो बेटी बनू मैं इनके जन्मों की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और उसके बाद नारायणी ने अपनी सखी को गले लगाया और रोते रोते कहने लगी, भाई बहने हैं मेरी छाया, भाई बहने हैं मेरी छाया, श्याम कहे को रखना बंधन की, लाजी को रखना बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया अच्छा लगा तो ताली बजाओ जरा जोरदार लाड भाई रानी के लिए लीजिए, क्योंकि एक पिता है दुनिया में, अगर सबसे बड़ा दान है तो वो है कन्यादान। हमारे श्याम बाबा ने शीश दान दिया, बहुत बड़े दानी हमारे बाबा, पर उससे बड़ा दान कोई है तो कन्यादान। जिस पिता ने अपनी कन्या का दान दे दिया उससे बड़ा दानी दुनिया में हो नहीं सकता। उन पिताओं के लिए एक बार ताली बजाओ जो कन्यादान करते हैं, तालियां जरा जोरदार जोरदार। लोग कहते हैं ना कि जी थारा ब्याह में के लागो, लोग कहते हैं के लगाया थे और के लगाओगा, जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी आपके हवाले कर दी फिर भी बोलते हैं के लगाया। तो कभी ये प्रश्न मत करिएगा, अगर सामने वाले की बेटी के पास, अगर पिता के पास 5 रुपए नहीं हो ना तो अपनी तरफ से 50 रुपए दे देना और कहना मेरे समधी ने मुझे 50,000 दिए। देखिए दादी आपके घर में 5 लाख रुपया कैसे फेंक देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ताली बजाओ जरा जोरदार दादी के लिए। तो जब भी किसी गरीब की बेटी मिले सबसे पहले उससे शादी करवाना अपने बेटे की, ताकि दादी आपके घर को देख सके, आपके परिवार को देख सके। आज के बाद कभी मत करना कि क्या लगाया, जो एक पिता लगा सकता है दुनिया भर में कोई नहीं लगा सकता। तो आइए सब मिलकर दादी जी की विदा हो रही है, आज दादी जी का जन्म उत्सव है। गुर सामले आए तभी ये लिया लिपटाए, धीरवान बीरो पड़े हिचकी गई बधाई, मात श्री रानी सती की जय।
धर धीरज बोले बिकलाई बेटी लेना सदा बढ़ाई बहु समझा पुन गले लगाई नारायण पालकी चढ़ाई माता ने आशीष सुहाई सदा सुहागण तू मेरी जाई आशीर्वाद दीन सब जाओ फलो फूट दूधो में खाओ विकल बनाए सकल नर नारी नारायणी ससुराल सिधाई तन धन आए सास सिरनावा वचन सुनावा माता बोली अति विकला कर कोटि कोटि आशीष सुना कर आशीर्वाद यही है मोरी जीवो सुख तुम बरस करोरी पुन गुरु सामल चरण पकड़ कर आशीष बहुत जी भर कर पास पड़ोस की भाभिया आई झुंड बनाए ले चाया मर ननद ने रखियो ही ये लगाए मात श्री रानी सती जी जय प्यारा लागो जी ने दोई माने प्यारा लागो जी ओ जी बाई नारायणी रा भर तारे ने दोई माने प्यारा लागो जी जी मारा राजे कावर माया श्यामी नड़े दोई माने प्यारा लागो जी पीछो सोवे जी नड़े दोई थारे पीछो सोवे जी पीछो सोवे जी नड़े दोई थाने पीछो सोवे जी तारी की लंग्या की जगह जोते नहीं दोई माने प्यारा लागो जी भाई जी सोवे जी नहीं दोई थारे भाई जी सोवे जी ओजी थारी जोड़ी की जगह का जोते नहीं दोई माने प्यारा लागो जी ओजी मारी राज कावर बाईरा श्याम नन दोई माने प्यारा लागो जी गुर सामल आए तुरत समधि जी के पास हाथ जोड़े अति दीन हो बोले वचन सुपास गुरु सामल दो हाथ पसारी विधि करो प्रशंसा थारी बहु सम्मान दास को दीना यहाँ पधार अनुग्रह कीना क्षमा करो अपराध हमारे भूल चूक हमने कर डाले नारायणी है सुता तुम्हारी रखना प्राणों से भी प्यारी जाली राम बोले मुस्काई दीनी जब विधि आप बढ़ाई जाली राम बोले तभी कमला राम बुलाए खूब उछालो रोकड़ा देवो त्याग चुकाए मात श्री रानी सती जी जय गुरु सामल को गले लगाई बैठे रख गौरी सुत जाई राम रमी को निदोन करी नैन नीर की धार गुरु सामल घर को चले जाली राम ही सार मात श्री रानी सती जी जय कर बहु बार अनेक बढ़ाई समझी सब का रात सुनाई ढोल नगाड़े संख्य बजा कर सबको शीश नवा कर गुरु सामल को अति समझा कर गणेश मना कर ले दुल्हन को चल दिए कंधन दी अति हर्षाए रमाकांत विनती करे देव सुमन बरसाए मात श्री रानी सती जी जय ओ जियो गोरी राम लसे करिया ओ ल्योड़ी लगा करते तो चाला जी बनेरा ओ ल्योड़ी लगा करते तो चाला जी बनेरा खारी तो ओ ल्यो बन्ना मेरा भारी तो करियई ये तो ओलियो बन्ना मेरा भारी तो करे मारी माय जी बनेरी चढ़ो तो चढ़ावो बन्ना के करो क्यों तेरे सागो अलग जीवा जी बनेरा नारायणी पद खायो डब डब भर आया नैन जी बने
लो बधावे सयो मोरी में गया राज गया मारे बाबा जी री पोले मारी सयो ए चढ़े बाई ने सोने भला हो या राज गया मारे बीरा जी री पोले मोरी सयो ए चढ़े बाई ने सोने भला हो या राज विदा कराए बरात को आई घर के माए बिना सुता के भवन में कुछ भी नहीं सुहाए बीच बीच वरवास कर डोली लिए कहार ले दुल्हन वर आ गई अपने नगर हिसार मात श्री रानी सती की जय अति आनंद घर घर में छायो धन धन नारायणी प्यालायो मंगल में शुभ अवसर जानी डोली पहुँची द्वारे आनी सासू ने बरगोद उतारी सजी मंगल आरती उतारी नंदी पाई बार दुकाई कैसी अच्छी भाभी आई पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी जैसे उतर वहीं पर आनी वर दुल्हन की नजर उतारी अंदर ले गई नंदी प्यारी भाति भाति के मंगल गाना और बहुत से नेक बयाना देवी के तरपाल पुजाए सोट सोट की खेल रचाए नित नूतन आनंद बधाए गुरमाही हाथ गलाए पग पकड़ानी रश्म कर थाल सुहाग सजाए भेंट मिले मन भावती रमाकांत हर्षाए ब्राह्मण नाई भाटवर सबको किया प्रसन्न जाली राम लुटा रहे स्वर्ण वस्त्र अरु अन्न मात श्री रानी सती की जय सास ससुर ने अति सुख पाया सासू का चित अति हर्षाया नारायणी भी अति सुख पाई सास चरण की चित पाई नित नव मंगल मोद पधाई आ पहुंचा लड़ हारा नाई बहुत प्रसन्न करी पहुनाई दी नाई को बहुत बढ़ाई पूज थाल गज बदन बनाई दास पिता ने गले लगाई दो कव गाँव पहुँच के आई सास ससुर की करी बढ़ाई माता मन में हर्षाई सखियां गली मिली सब आकर पिता किया सबको समझाकर पति चरणों में चित्त लगाया माता पिता का मन हर्षाया यह विवाद संवाद जो नित्य पड़े चित लाए रमाकांत निश्चय कहे मंगल मोद बढ़ाए मात श्री रानी सती जी की जय अब देखिए पंचम अध्याय है पंचम अध्याय सबसे मेन अध्याय इसमें बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा बहुत सारी जानकारी आपको है और बहुत सारी नहीं भी है सर्वश्य बुद्धि रूपेणे जनस्य हृदय संस्थिते सर्वगा पूर्व गदे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो कल्याणदायिनी शिवा हो सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला इन नेत्रों वाली एवं गौरी हो तुम्हें नमस्कार है बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है तुम्हें नमस्कार है तुम्हें नमस्कार है मंगल भवन अमंगल हारी नारायणी नाम सुखारी मति अनुसार कथा में भाकी अब सुनो जो बीच ही राखी सहजादा घोड़ी पाने को रचने लगा कला लड़ने की साप हृदय ते तन धन दासा समझ न सके मिश्र की आशा बात बड़ी बातों बातों में उठा लिए बाले हाथों में पटका पटकी हुई कठोरा धन धन जी का हाथ मरोरा धन धन के मन री समाई गोले में हुक्का एक जमाई मूर्छित हो ये पड़ो धरणी पर घोड़ी पर आए पिता को बात बताई लड़ाई पिता कहे मन चिंता लाई बेटा अच्छा नहीं लड़ाई हम सेवक वैसा है उनसे कैसा भेर घोड़ी के खातिर लिया नाहक तुमने दैर मात श्री रानी सती की जय जब
जब शहजादा होश में आया अपने घर तुरंत घर आया सकल बात पित को समझा कर कैद करो तन धन को जाकर तुरंत नवाब दूत दौड़ाई जाली राम को लिया बुलाई बहुत सजनता ज्ञान बताई ठंडा किया शाह समझाई वापस अपने घर को आए तन धन को सब बात बताए उधर कुमार विचारे मन में तन धन को कब मारू रण में तुरंत पिता को शीस नवा कर बोला बात कठिन जिद्दी कर सुंदर घोड़ी में ले लूंगा नहीं अन्न नहीं चलती होगा सह तुरंत सेनापति भेजा कह दीवान को घोड़ी दे जा कह तंदन दीवान से दादर शीस नवाए घोड़ी मैं दूंगा नहीं चाहे प्राण भी जाए मात श्री रानी सती की जय सेनापति सुन सब सब बाता जल्दी से सेना बुलवाता दोनों वीर डटे रण माई तन धन ताज कमल लगवाई मार काट सब करने लागे आगे होकर सैनिक भागे सेनापति को मार गिराया सकल फौज को दूर भगाया अणगित सिर वहाँ कटे पड़े थे भाले बाण कृपाण पड़े थे दूसरी फौज तुरंत चढ़ आई तन धन कमला राम भयाई कई प्रकार बहु सैनिक मारे कई मरे कई कई साहा विचारे कर मन माही संग बैर भलाई नाही दोनों भाई घर को आए मात पिता सब हाल सुनाए शारदा बोले भय सहित समझ पड़े कछुनाए पानी माही मगर संग दिया बैर भर नाही मात श्री रानी सती की जय सहजादे को नींद न आई अरे विचार करो क्या भाई बहु प्रकार मन में विचार के पहुँचा झुकते जाली राम घर गुड़साला में पहुँचा जाई झट घोड़ी की बात दमाई हिन हिनाट घोड़ी ने कीना बहुत जोर घोड़ी हिन्नाए कंधन कर में भाला लेकर सहजादा फिर डट कर भागा भाला फेंक निशाना मारा उतरा तुरंत कलेजा पारा अपनी करनी का फल पाया पिता कहे समझाए कर मेरे मेरी बात जल्दी चलो जूझनो प्रीत न जाए रात मात श्री रानी सती की जय रातों रात सब साज सजाई जूझो जाकर सूर्य आई जो विवा सुनो साहे में कारण दीवान सुजाना अच्छा समझा जूझो जाना उधर बहुत सूरज चढ़ आया शहजादा घर में नहीं आया जाली राम घर पता चलाया मरा हुआ शहजादा पाया रह गया सा बहुत चिल्ला कर पाना तगा तंगन खाकर बहु प्रकार मन में पछताए बदले की योजना बनाए इस प्रकार श्री जाली रामा आकर बस गए जूझो रामा ये चरित्र संक्षेप में कहा कवित्त बनाए रमाकांत जो भी पढ़े रण में हार न खाए मात श्री रानी सती की जय धीरे समय चक्र चलता था सोच नारायणी की महतारी मुगलावे की करूं तैयारी बारस मास ब्याह को हो गया गाने का अब समय हो गया दास भेजने वही बुलाया गाँव जूझनू तुरंत पठाया मुगले भाई का मुहूर्त बताया तन तन को जल्दी बुलवाया सब प्रकार सेवक समझाने नाई क्या हुआ सुखमानी जाली राम मन करे विचारा गाँव दूर है मग दुष्टारा चुन चुन सत योद्धा बुलवाए तन तन जी के साथ अति विश्वास पात्र राणा को तन धन सौंपा है राणा को बहु बाती समझाए के तन धन राणा सा चले वीर को ना करन लिए शस्त्र सब हाथ लिए शस्त्र सब हाथ मात पिता चरणन सिर नाई तन धन चले गणेश मनाई घर घर कूचा घर घर मझला पहुंचे मंडलने की बेला सबको सुंदर पास दिवाई तन धन को घर गए लुभाई बहुत उत्साह से थी घर छाया घर में परमानंद समाया जब जीमण को बैठ जमाई जीमण गीत लुभाया गाई धोया धोया थाली परोस दिया भात जी आओ आओ तन्मन जी बैठो ना थाल जी बैठो ना थाल पताओ वारी जात जी बाप मारो राजा जी आए पट्टी रानी जी
चारू भाई चक्कर सा बहन सुजान जी वो हमारी सोदरा ससुरा के माई जी चाची मारी सिखानी बाबेटी पिंडो बाल जी सोवन हित भवन जब आए जिया को बजाए तब नोत अधिक पहुनाई दिवस सात कर गीत सुहाई राणा चंदन को बुलवाया बात समझ कर जल्दी आया चलने को अब साज सजो हमें हो रही देर अब रुकना अच्छा नहीं बहुत हो गई देर चंदन अंदर की योजनाई विदा करो माता सुख पाई वचन सुनत माता हरसाई सब सखियों को लिया बुलाई जाओ सजाओ नारायणी को सब प्रकार सुन कर दुल्हनी को मीठे मल स्नान कराया सुंदर वस्त्र दुल्हन पहनाया नारायणी सब विधि सिंगारी मन ही मन हर जी महकाई मुख चमके चंदा की नाई माथे बिंदु सुहाग सुहाई घूंघर वारे केस बनाए जैसे खबर सबू के आए नैन विशाल भुकुट है बाकी दिन में है कजरे की झांकी दुल्हन बनी लगे नारायणी जैसे रखी रमी पर आनी रूप विराश की खान भवानी कभी करे क्या रूप दिखानी संबत युद्ध सिबावन का मंसिर बदी दिवस नौमी का रात काल का समय सुहाना रथ अरुक रंग सजाए नाना सब तैयारी ठीक कर डेली दी पुजवाए बेटी को कर दी विदा रथ में दी बैठाए सतिया सब रोने लगी गुड़िया को ले गुड़िया माँ को सौंप दी सदा सुलाना साथ मात श्री रानी सती जी जय गुरु सांबल सासू सिर नाई तन तले संग सुबुदाई माता राणा को समझाई संग तुम्हारे मेरी जाए सब प्रकार से रक्षा करना राणा का तुम मोहन हरना राणा बोले वच्छ फुलाई कोई तन को छूले पाई चिंता नेक करो मत माता शूर वीर तेरा का माता होत विलंब मात सिर नाई चले सकल हर्षित सुखताई चलन हेतु जब रति को कीचा ठीक होई तेरी मनड़ो नहीं धारे धीर कैया थाने समझाओ जी थाने समझाओ जी जब विदा समय का आया या छीक कुसुने बताया स्वामी छीक चला जो घर से नहीं लौट कर आया बिड़े में उठ रही टीस कैया थाने समझाओ जी ओ थाने समझाओ जी कई देवी देव मनाया कई खेतर पाल चुकाया जल जाकरिया कन्या देखी बड़े में हर्षाया के कोड़ करया थाने कैया समझाओ जी ओ थाने समझाओ जी सुन राणा बात हमारी घर संग करी सुख मारी और प्राणा को थे मोहन कर जो रखियो लाज हमारी हमारी उम्र गुण गाओ जी थाने समझाओ जी ओ मेरे भूड़े पने को सहारो धन धन जा माता प्यारो राणा बोलो डर पो मत ना वचन निभासो मारो यो रमा कांत गुण गावे जी थाने समझाओ जी ओ थाने समझाओ जी धीनु मिली भाई अकुलाई ऊपर से बादल चिल्लाई सब मन में चिंता है छाई फिर भी चले गौरी सुत जाई तंदन चाले मगन हो मन में अति हर्षाए अब वह सुनो जो होनी थी घोर जंगल के मार सहजादे को मार कर तंदन पिता समेत पुत्र मरण सुन अतु विकलाई रोने लगा पीटी कर छाती कहा गया तन धन सुत घाती दुखिया पुत्र बहू को देखा लगा गले जय वज्र सरेखा मन में बहुत निराशा छाई
बेगम बोली वचन सुहावा धन धन का होगा मुकलावा कद मुकलावा राखो जाए बीच जंगल में घेरो युक्ति शाह चित में आई गुप्त चर दिया पढ़ाई आए गुप्त संदेशा दीना धन धन ढोंगर से चल दीना जल्दी शाह उठा अकुलाई आज निकालू सब बैराई सेनापति को बोल कर धीमी फौज पठाए घाट बाट सब रोक कर लीनी घात लगाए चंदन दास जी राणा के साथ में जब देवसर की घाटी में पहुंचे दूर कहीं पर गर्द उड़ाए चंदन राणा से बतलाए दिखता है कुछ दाल में काला करो उपाय कोई तत्काला कई प्रकार बतलाए दो घेर लिया शत्रु चहुआरू तलकारे चमकी तहि काला चंदन ने बाला संभाला हर हर महादेव हर बंका बजा दिया फिर डर का डंका मार काट का खेल नचाया एक हाथ तलवार सुहाए दूजे भाला काल डराए एक हाथ तलवार सुजाए दूजे भाला काल डराए तुरंत बाघ में मुंह अटकाए घुसा के अंदर जाए मार काट करने लगे चंदन के सब लोग थोड़े थे रणचंडी को लगा रहे अर्भोग मात श्री रानी सती जी जय जो शत्रु भी सामने आया हा बाला धरनी पर आया मार करे दोनों साथी लड़े बहुत हैं साई एक एक सत सत को खाई घूंघट